हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और हॉल रिव्यू। इस बार हम मीशो का या फ्लिपकार्ट का हॉल रिव्यू नहीं लेकर आए हैं, इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं मिंत्रा का हॉल रिव्यू। इसमें मैंने 5 सूट खरीदे हैं, 4 जिसमें कुर्ती हैं और एक पूरा सूट है। तो चलिए दिखाते हैं। प्राइस की बात करूँ तो ये थोड़े कॉस्टली हैं, बट इनकी क्वालिटी की बात करूँ तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं अपनी पहली कुर्ती से कि मैंने कैसा मंगाया था और ये कैसा रिसीव हुआ। तो फर्स्ट कुर्ती है ये। इसके कलर की बात करूँ तो ये मरून कलर है। इसकी स्लीव्स काफ़ी लंबी हैं। अगर आप पहनते हैं तो हाथ में जैसे चूड़ियाँ आ जाती हैं ना, इससे उस टाइप की हैं। और ये स्लीव्स में आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे 2 हुक दे रखे हैं और उसकी लुक्स भी दे रखी है लगाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा कुर्ता है। और कपड़े की बात करूं तो ये रेयॉन का कपड़ा है, लेकिन हल्का नहीं है, ये रेयॉन का काफ़ी मोटा कपड़ा है। देखिए इसकी लेंथ की बात करूं तो लेंथ भी काफ़ी ऑल ओवर है। आप इसे गाउन की तरह वेयर कर सकते हैं कोई हैवी सेट के साथ, तो ये बहुत ही प्यारा और यूनिक सा लगेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ताम झाम नहीं है। ये बहुत ही सिंपल और सोबर कुर्ती है। आप इसे पार्टी में, कहीं फंक्शन में, कहीं भी इसको वेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं पहन के दिखाती हूँ आपको कि ये पहनने के बाद कैसा लुक देता है। चलिए तो अब हम सेकंड कुर्ती की बात करते हैं। ये है ग्रीन कलर, जो सी ग्रीन काई वाला कलर होता है, ये वो कलर है। इसकी स्लीव्स की बात करूं तो बहुत ही यूनिक सी डिज़ाइनर इसकी स्लीव्स हैं। आप देख सकते हैं पहनने के बाद इसका लुक आएगा कि ये कैसा है। ये भी फ्रॉक वाली कुर्ती है, पार्टी वियर है। देखिए आप देख सकते हैं लेंथ भी इसकी काफ़ी अच्छी खासी है और इसमें भी फ्लेयर काफ़ी अच्छा है। इसकी स्लीव्स हैं 3/4 की। और इसके कपड़े की बात करूँ तो ये चंदेरी सिल्क में जो कपड़ा होता है हल्का वाला, वो है, और इसमें अंदर लाइनिंग भी दे रखी है। इसकी क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। और ये स्लीव पे आप दे सकते हैं, इसमें 2 डोरियां दे रखी हैं, इसमें फैब्रिक के टसल दे रखे हैं, ये इसको बहुत ही यूनिक सा लुक दे रहे हैं। ये भी थोड़ा कॉस्टली है, बट क्वालिटी वाइज ये बहुत ही अच्छा है। चलिए इसको मैं वियर करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लुक करता है पहनने के बाद। अब हम थर्ड कुर्ती की तरफ चलते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं ये इस पर जो प्रिंट दे रखा है वो काफ़ी अच्छा है। आई थिंक ये इसका बैक है, ये फ्रंट है। देखिए ऊपर प्रिंट दे रखा है और स्लीव्स भी इसकी 3/4 है उसकी तरह, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रिंट है। और कपड़े की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा कपड़ा है ये, ना तो ये खिंचेगा और ना ही ख़राब होगा बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत ही मजबूत कपड़ा है, ना ही इसमें से धागा निकलेगा। और इसकी फ्लेयर की बात करूं, इसका भी फ्लेयर काफ़ी अच्छा है। ये भी फ्रॉक वाली कुर्ती है, बट ये अम्ब्रेला वाली नहीं है जैसे वो थी, इसमें कली वाली फ्रॉक कुर्ती है। ये आप देख सकते हैं इसमें कलियाँ दे रखी हैं। इसका जो कलर है वो मजेंटा कलर है, और इसके नीचे का आप देख सकते हैं फ्लेयर काफ़ी अच्छा खासा है। और इसमें भी जो ऊपर चोली पे बॉर्डर दे रखा है वो भी इसमें नीचे लगा रखा है, आप देख सकते हैं। आप इसको कहीं कॉलेज के पर्पज से, ऑफिस के पर्पज से कहीं भी इसको वियर कर सकते हैं। पीछे गले की बात करूं मैं, बहुत ही यूनिक सा इसका डिज़ाइन है। देखिए सिंपल सोबर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि पहनने के बाद कैसा लगता है। कुर्ती इज दिस, ये देखिए कुर्ती नहीं, ये पूरा सेट है, आप देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह का है, ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है प्लाजो, और ये इसका दुपट्टा है। मैंने इसको एक बार वियर कर लिया है, इसको वॉश भी कर लिया है। इस पर फॉइल प्रिंटिंग थी, बट इसकी फॉइल प्रिंटिंग धुलने के बाद भी वैसी की वैसी ही है,
इसके दुपट्टे की लेंथ की बात करूं मैं तो काफी अच्छा खासा है, आप इसे किसी के भी ऊपर वियर कर सकते हैं। देखिए कलर भी काफी अच्छा और स्टाइलिश कलर है, आप देखिए देख सकते हैं, कपड़ा भी काफी अच्छा है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं इसका भी लुक के वियर करने के बाद। तो हमारी लास्ट एंड द लीस्ट ये है कुर्ती, आप देख सकते हैं इसका ब्लू कलर है, डार्क ब्लू नहीं है इसका, बहुत ही अच्छा ब्राइट सा ब्लू कलर है और इस पर ये प्रिंट दे रखा है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है जिस कलर से हो रखा है। इसकी स्लीव्स पर ये राजस्थानी वाली जो बॉर्डर वाली लेस होती है वो दे रखी है, इसकी भी स्लीव्स काफ़ी अच्छी खासी हैं। और इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो गले पे ये देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। इसकी लेंथ की बात करूँ तो इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं ये भी अम्ब्रेला वाला सूट है, देखिए आप, और फ्लेयर भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है। जो कुर्ती है उसकी चोली है इसमें कॉर्नर से आपको इस तरह की डोरी और उसमें ये मल्टी कलर के टसल्स देखने के लिए मिलेंगे जो इसको बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहे हैं। तो चलिए वियर करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है पहन। कैसा लगा आपको हमारा आज का मिंत्रा का हॉल रिव्यू? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसके लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप अगर चाहते हैं कि हम आपको इसी तरह कपड़ों की या अदर प्रोडक्ट की रिव्यूज देते रहें तो प्लीज़ उसके लिए हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय एंड सी यू।